ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। यमुनानगर के हुड्डा सेक्टर 17 में बहुचर्चित हाई प्रोफाइल योगेश हत्याकांड में अब एक और नया मोड़ आया है। दरअसल 27 मई को 2016 को हुई योगेश की हत्या के मामले में उसकी पत्नी और उसके प्रेमी सहित चार लोगों पर हत्या का आरोप था, जिसमें पुलिस ने इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया था। लेकिन अब मृतक के पिता का अपनी पोती पर भी हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया है। मेरी पोती उस रात को उन मुलजिमों को, जो तीन मुलजिम और प्रियंका ने मिलके इस हत्या को किया, तो उन मुलजिमों को लेने के लिए प्रियंका के साथ मेरी पोती भी कार में थी, जो कि घर से हमारे 10 बजे के लगभग ये लोग वहां पहुंचे रेलवे रोड पे, और उन तीनों मुलजिमों के साथ घर में आए, और फिर घर में एक घंटे तक वो लोग कार में बैठे रहे, और ये दोनों सामने वाले गेट से घर के अंदर आ गए थे, और फिर एक घंटे बाद वो कमरे में उन्होंने बैठाया, और बाद में प्रियंका उनको जहाँ योगेश सोया हुआ था वहाँ लेके गई, और इन लोगों ने मिलके हत्या कर दी। ख्वाहिश उसी रात को हमारे मकान में रात भर थी। ये इनिशियली जो केस था, ये दर्ज हुआ था प्रियंका बत्रा, रोहित और एक सतीश कुमार और श्याम सुंदर, ये चार मुलजिम थे इसमें। जब ये पकड़े गए तो इनके बयान लिए गए, तो इनके बयानों में आया कि जब इन्होंने ये मर्डर किया तो ये लड़की जो ख्वाहिश थी ये इनके साथ थी। जब ये दो यूपी वाले मुलजिमों को स्टेशन से लेने गए तो ये गाड़ी में साथ थी। तो एविडेंस जो आई है अब तक, जो प्रोसिक्यूशन जो इन्वेस्टिगेशन जो हुई है पुलिस की, उसमें ये आया है कि इसका एक्टिव जो है पार्टिसिपेशन रही है, इसका एक्टिव रोल रहा है। ये अपने माँ के साथ पूरी क्राइमेंस में थी और इसको पता था कि भाई तेरे पिता का मर्डर होने जा रहा है, तो ये उनके साथ थी। तो इसलिए जो है एक अर्जी लगाई गई है कोर्ट में कि भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जो है ये भी मुलजम बनती है, इसको भी मुलजम बनाया जाए। पुलिस ने इसको मुलजम नहीं बनाया, कानून के मुताबिक अगर पुलिस को मुलजम ना भी बनाए तो कोर्ट जो है शोर मोटर भी बना सकती है, या कोर्ट में मुदई पार्टी जो कंप्लेंट है वो अर्जी मूव करे, तब कोर्ट को डिस्क्रिशन है कोर्ट उसको मुलजम किसी स्टेज पे भी बना सकती है। इसमें अर्जी लगाई थी, उसमें कोर्ट ने हियरिंग की है, बहस हो चुकी है, 5 तारीख ऑर्डर के लिए निश्चित की गई है कि आया कि अब ये कोर्ट को फैसला करना है कि ये मुलजम बनती है या नहीं। अगर